वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप सबने मुझसे पूछा था कि नीट की तैयारी कैसे किया जाए, कैसे घर पे रहते हुए हम नीट की तैयारी करें ताकि हम पहली बार में एग्जाम पास कर सकें, हमें भाग दौड़ करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे पास आर्थिक तंगी है, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारे पास कई तरह की दिक्कतें हैं, हम हमारे घर में कमाने वाले नहीं है। इस तरह के न जाने तमाम क्वेश्चन आपने पूछा था और जो मुझे क्वेश्चन मेल पे रिसीव हुए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये जवाब देने आया हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, न तो आपको किसी बड़े शहर में जाने की जरूरत पड़ेगी, न तो आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपने सही तरीके से इस चीज को लागू किया, फॉलो किया, तो निश्चित रूप से आप पहली बार में नीट एग्जाम पास करेंगे, वादा है आपसे। पहली बार में नीट परीक्षा पास करना ये डिपेंड करता है कि आपने जो अपनी स्टडी किया हुआ है वो किस आधार पे किया हुआ है। बहुत से बच्चे अगर पहली बार में किसी वजह से वो पास नहीं हो पाते हैं तो वजह एक होता है क्योंकि भटकाव की स्थिति होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें वास्तव में पढ़ना क्या चाहिए, और जो पढ़ना चाहिए वो उससे कोसों दूर होते हैं, और जिसको नहीं पढ़ना चाहिए दिन रात उस पर लगे हुए होते हैं। यही वजह होता है कि पहली बार में नीट नहीं निकल पाता या फिर आपको फेल का सामना करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, आप घर पे रहकर आज से कर सकते हैं। अगर निश्चित रूप से मैं एक बात बताऊं कि यदि आपने जो भी परीक्षा आप देने के लिए तैयार हैं और नीट एग्जाम देने की आपने सोच लिया है तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि अगर आपने कंटिन्यू कम से कम जो है 6 महीने तक लगातार स्टडी किया और इस आधार पर किया कि हमको हर हाल में एनी हाउ एनी कॉस्ट इस परीक्षा को पास करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ 6 महीना आपको देना है और सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए, कैसे क्या क्या पढ़ना है इन 6 महीने में वो आप देखिए। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आता है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपके साथ ऑनलाइन रहूंगा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, चाहे आपकी फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो या बायो की बात हो, हर जगह मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। आपको क्या देखना है, अब देखिए ये जो पिछला आंकड़ा देखा गया अब तक के, अगर आप 10 वर्ष पहले के एग्जाम के पेपर उठाकर देखिए, ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलता है, क्लास 11th और क्लास 12th एनसीईआरटी पैटर्न के से 70% क्वेश्चन आते हैं। कितना, 70% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपने अच्छी तरीके से क्लास 11 और क्लास 12 को पढ़ा। और क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसमें पढ़ना आपको फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है। और देखो 30% कहां से नंबर आएंगे सर, अगर 30% की बात करें तो क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक एनसीईआरटी का जो बुक है वही आपको पढ़ना है, उसमें से 30% के क्वेश्चंस देखे गए हैं, ये अब तक के आंकड़े बताते हैं। तो यदि आपने क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के वो सभी टॉपिक, चाहे वो छोटा सा टॉपिक हो, अगर वो केमिस्ट्री से संबंधित है तो आपको जरूर उस पर नजर रखना चाहिए, यदि छोटा सा टॉपिक जिसे आप इग्नोर करते हैं वो फिजिक्स का है, साइंस का है, लेकिन आप इग्नोर करते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ध्यान देना चाहिए ताकि एक छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आ जाती हैं। इस पैटर्न को फॉलो करिए, 6 महीने अपना दीजिए और 6 महीना ज्यादा नहीं, कम से कम जो है डेली की मैं बात करता हूं, कम से कम अगर आप पढ़ाई करते हैं 3 से 4 घंटे की आप पढ़ाई करिए, 6 महीने तक करिए, इत्मीनान से करिए। लेकिन हाँ, रट्टा मत मारिए, रटने वाला सिस्टम छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां अगर समझ के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पहली बार में एग्जाम पास करेंगे, रट्टा मार के कोशिश करेंगे तो फिर डियर स्टूडेंट्स काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और फिर वक्त ज्यादा लगेगा। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि नीट की तैयारी कैसे करें और पहली बार में हम एग्जाम को कैसे पास करें। तो इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।